Good morning, students. How are you? I hope you are fine. I am your Mamta ma'am. Welcome to our online classes, MSc Public School, Rambha. आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड वन मैथ. तो पेज नंबर 59, नियर एंड फार. नियर मतलब हम जानते हैं जो पास है और फार मतलब जो दूर है. यहाँ पर पिक्चर दिखाए है. द डॉग इज सिटिंग नियर द मैंगो ट्री. मैंगो ट्री के पास कुत्ता बैठा है, वो नियर. और द बट द टर्टोइज इज फार फ्रॉम द मैंगो ट्री. वो टर्टोइज बहुत दूर, ठीक है, मतलब मैंगो ट्री से बहुत दूर है. अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, लुक एट द पिक्चर फिल इन द ब्लैंक्स विद नियर और फार. यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए है, हम उधर नियर और फार यूज करके फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे. हाउस के सामने दो बच्चे खड़े, एक हाउस के सामने पास है और एक बच्चा हाउस से दूर है. तो कहाँ पर हम क्या नियर लगाएंगे और कहाँ पर हम फार लगाएंगे. बिना घर के पास जो लड़की खड़ी है वो बिना है, ठीक है, तो वो पास है. बिना इज नियर हाउस. देन विजय, विजय बहुत दूर है, यानी कि वो लड़का बहुत दूर खड़ा है. विजय इज फार फ्रॉम हिज हाउस. उस घर से विजय दूर है, यानी कि फार. अब क्वेश्चन नंबर 2 3, फार फ्रॉम द पॉन्ड ड्रॉ ए माउस नियर द ट्री. यहाँ पर एक पॉन्ड दिए है, देख रहे हो, उस पॉन्ड के पास एक ट्री है और उसी ट्री में एक माउस बनाना है, ठीक है, माउस करो. और उसके नीचे दिया है ऑब्जर्व दिस पिक्चर. यहाँ पर देखो, पिक्चर देख रहे हो, कुछ ट्री है लेकिन उस ट्री को कलर नहीं हुआ है, और कुछ फ्लावर्स है लेकिन उस फ्लावर्स को कलर नहीं हुआ है, और बटरफ्लाई है कुछ, उस बटरफ्लाई को भी कलर नहीं हुआ है. तो ये हमको बोला है इसको कलर करने के लिए, कलर द फ्लावर नियर टू द गर्ल रेड. ये लड़की के पास जितने भी फूल है वो सारे फ्लावर्स को रेड कलर करेंगे. बी कलर द फ्लावर फार फ्रॉम द गर्ल येलो. लड़की से जितने भी दूर फ्लावर्स है उस फ्लावर्स को येलो कलर करेंगे. सी कलर द ट्री फार फ्रॉम द गर्ल ग्रीन. लड़की से जितने भी दूर में पेड़ है, यानी कि ट्री है, उस दूर वाले ट्री को ग्रीन कलर करेंगे. डी कलर द बटरफ्लाई नियर द गर्ल्स ब्लू. और लड़की के पास जितने भी बटरफ्लाई उड़ रहे हैं उस बटरफ्लाई को ब्लू करेंगे. नंबर 60, बिग एंड स्मॉल. बिग यानी कि बड़ा. यहाँ पर दिखा रहा है एक पिक्चर, एक फॉक्स है और एक एलिफेंट है. तो फॉक्स को हमें एलिफेंट के देखा जाए तो स्मॉल कौन है, फॉक्स, यानी कि स्मॉल. और बिग एलिफेंट है, ये बिग है एलिफेंट, ये स्मॉल फॉक्स. तो उसको देख के क्वेश्चन आंसर करो. नंबर 1 ऑब्जेक्ट द फिगर. इधर जो भी दिए है, सर्कल द स्मॉल ऑब्जेक्ट एंड ड्रॉ द बिग ऑब्जेक्ट. यहाँ पर दो बटन दिए है, एक बिग वाला बटन और एक स्मॉल वाला बटन. तो हमको ये बोला है जो स्मॉल है उसको सर्कल करेंगे और जो बिग है उसको क्रॉस करेंगे. ये बड़ा वाला बिग को क्रॉस कर लिए और स्मॉल पत्तल को सर्कल किए. और यहाँ पर एक पंपकिन दिए है, पंपकिन तो बिग है, और एक ब्रिंजल दिए है, ब्रिंजल स्मॉल. तो ब्रिंजल को स्मॉल को सर्कल करने के लिए बोला है, हम ब्रिंजल को सर्कल किए. और बिग को क्रॉस करने के लिए बोला है, पंपकिन बिग है तो पंपकिन को क्रॉस करेंगे. नेक्स्ट सी, ये रियाट है, ये कैट है. कैट से रियाट तो स्मॉल होता है, तो स्मॉल को सर्कल करेंगे, यानी कि रियाट को सर्कल. कैट बिग है, बिग को क्रॉस, यानी कि कैट को क्रॉस. नेक्स्ट डी, चेरी है एंड टमाटो. चेरी तो स्मॉल होता है तो चेरी को सर्कल, और टमाटो बिग तो टमाटो को क्रॉस. क्वेश्चन नंबर 2, डू एज ड्रॉ ए स्टार बिगर देन वन गिवन. यहाँ पर एक स्टार दिए और ये बोल रहा है उससे एक बड़ा स्टार बनाएंगे. बिग यानी कि बड़ा, यहाँ पे स्मॉल स्टार दिए है उससे बिग स्टार बनाएंगे. ड्रॉ ए फ्लावर स्मॉलर देन द वन गिवन. यहाँ पर एक बड़ा सा फ्लावर है तो उसको देके एक स्मॉल फ्लावर बनाएंगे, ठीक है. नंबर 3, जो बड़ा है यानी कि बी, उसके पास बी लिखेंगे, बिग. और जो छोटा है यानी कि स्मॉल, उसके पास एस लिखेंगे. देखो यहाँ पर एक बड़ा टेबल यानी कि बिग टेबल है और एक
स्मॉल टेबल है, स्मॉल टेबल के पास एस, बिग टेबल के पास बी, और स्मॉल एस बिग पेंसिल के पास बी, स्मॉल एच चॉक एंड बिग एयर डस्टर, डस्टर के पास बी एंड चॉक के पास एस। यहाँ पर एक बड़ा वाला किताब है और एक छोटा वाला किताब है।